ईलाइट स्टडी जॉब अपडेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है जो कि संबंधित है जेओए आईटी की पोस्टों से और स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसीज से। साथ में हम बात करेंगे पीएनबी बैंक में भी 22 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। देखिए, यदि आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिएगा, जेओआईटी की रिक्रूटमेंट आपको हर डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है। जितनी भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जेओआईटी की नियमित रूप से अपॉइंटमेंट के लिए वैकेंसीज निकाली जा रही है, तो आप भी अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ईलाइट स्टडी टीम के द्वारा जीआईटी के एक बहुत ही उत्कृष्ट किताब तैयार की है। इस किताब का द्वितीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। पहले के एडिशन में कुछ त्रुटियां भी रह गई थी, लेकिन इस एडिशन को त्रुटिहीन बनाने में हमारे सजग अभ्यर्थियों का बहुत ही कड़ा प्रयास रहा है। ये किताब 3 भागों में विभाजित है। पहले विभाग में आपको कंप्यूटर, सेकेंड में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर और थर्ड भाग में आपको एचपी नेशनल और इंटरनेशनल जीके अवेलेबल करवाई गई है। इस किताब के द्वितीय एडिशन को आप ईलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के रिव्यू करवा सकते हो। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, देखो इनका जो हेड ऑफिस है ये कसुमटी शिमला में है, तो यहीं से एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 जीआईटी के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको ज्ञात होगा जीआईटी का जो पद का दर्जा है ये तृतीय श्रेणी का है और एक कॉन्ट्रैक्ट बर्सिस के आधार पर अपॉइंटमेंट की जाएगी। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए आपकी रिटन टेस्ट से ही मेरिट बनती है। किसी भी तरह की कोई भी इवैल्यूएशन और इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश में अब नहीं होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका रिटन टेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा, तो आप सीधे अपॉइंटमेंट के लिए हकदार बन जाएंगे। तो 7 वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये पुराना वेतनमान है। आने वाले समय में यहाँ पे देखिए इसको संशोधित कर दिया गया है। आप जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको संशोधित वेतनमान ही मिलेगा। इसके साथ में हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए जो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, प्लस टू पास यदि आप है और आपने देखिए यहाँ पे प्लस टू पास इन्होंने बेसिकली ही मांगा है 10 से 2 जो जीआईटी के लिए नियम है उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर लिखा गया है ये देखिए, यदि आपने बड़ी डिग्री भी की है तब भी आप एलिजिबल है, या तो आप देखिए सीधी सी बात है, यदि आपने प्लस टू पास है तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हो। दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस है स्टेनोटाइपिस्ट क्लास 3 की वैकेंसी से संबंधित है। 6 वैकेंसीज के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है या फिर इट्स इक्विवेलेंट या इससे समतुल्य कोई डिग्री आपके पास है, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। साथ में आपको स्पीड इन शॉर्ट हैंड में 60 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में करने हैं, 60 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में करने हैं। कंप्यूटर के ऊपर भी देखिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में भी 25 वर्ड ही पर मिनट आपको यहां पे निकालने होंगे। तो ये नोटिस संबंधित था स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पद जरूर कम है लेकिन आपको एक ही पद चाहिए जो कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहा होगा। आपको छोटे छोटे पदों के लिए भी अपने प्रयास करने होंगे। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी जो इनका धर्मशाला का मंडल आता है, धर्मशाला का जो इनका एरिया है और इसके साथ में जो चंबा का क्षेत्र है वहाँ के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप प्लस टू पास है और आपकी आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच में है तो आप यहाँ पे देखिए जो पद है इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है महज प्लस टू ही रखी गई है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कांगड़ा तथा चंबा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, आप अपनी स्क्रीन में एक फॉर्म देख रहे होंगे, इस फॉर्म को आपको खुद बनाना होगा, इसका प्रिंट आउट कीजिएगा और इसके ऊपर आपको अच्छे से आवेदन करके आपको जो यहाँ पे एड्रेस दर्शाया गया है कांगड़ा ब्रांच का, वहाँ पे आपको इसको भेजना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 7 पे इसका एड्रेस दिया गया है, 31/1/2022 इसकी अंतिम तिथि है, इससे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। कुछ ही दिनों में पुलिस का रिटन टेस्ट भी होगा। जैसे ही कोविड से थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश में रिलैक्सेशन मिलेगी तो ईलाइट स्टडी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। ईलाइट स्टडी टीम जो आपका परीक्षा का प्रारूप है उसी के अनुसार 10 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक ही किताब में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। महज 150 रुपीज में आप इसे अपने नज़दीकी शॉपकीपर या ईलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाकर के रिव्यू कर सकते हो। देखिए, जरूर आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपके का स्तर क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है। अन्य बहुपयोगी किताबों के लिए भी आप विजिट कर सकते हो ईलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ईलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।